हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे ही होंगे। अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का, मैं जा रही हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। चाय बनाऊंगी साथ में, तो मैं आज कोई ब्रेकफास्ट नहीं बना रही हूँ। ब्रेड रखे हुए हैं तो बस उनको ही सेक लूँगी। ये बोल रहे हैं कि ब्रेड ही सेक लो, तो बस वही हम लोग चाय के साथ खा लेंगे। और साथ ही साथ जो है मैं लंच भी बना लूँगी, लंच की तैयारी भी कर लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी जल्दी होती है ना। लंच पैक करके भी देना है और उसके बाद जो है घर के और भी काफ़ी काम होते हैं। किचन में ही खड़े हो जाओ ना तो कितने काम निकलते हैं, कहीं बर्तन कहीं ये, तो ये लगता है ना। साथ ही साथ के और काम भी निपटाते जाओ तो बस कैसे टाइम निकल जाता है पता ही चलता है। मॉर्निंग का जो टाइम है ना काफ़ी बिजी होता है। और कभी कभी तो ये लगता है कि वीडियो शूट ना करूं, क्योंकि वीडियो शूट के साथ काम करो तो और ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कैमरा सेट करना होता है, ट्राइपॉड पर लगाना होता है और ये सब भी देखना होता है। क्योंकि वैसे तो ये होता है ना कुछ भी फटाफट से कर लो, लेकिन अगर मोबाइल लगाऊंगी तो ये भी तो है कि आप लोगों को ठीक से दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है, ऑन ऑफ भी करना पड़ता है थोड़ा सा, तो इसीलिए वीडियो के साथ काम करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। बातें करेंगे बाद में, पहले मैं किचन के काम कर लेती हूँ। और आज जो है मुझे आप लोगों के साथ अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग भी शेयर करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये घर के जो काम है ना, क्लीनिंग वगैरह तो सब मैंने कर लिया, बस किचन का काम रह गया है। लंच वगैरह बन जाएगा ना और जब ये चले जाएंगे उसके बाद मैं आप लोगों को अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग दिखा दूंगी। क्यों ना अलग से जाएगी मंथली ग्रॉसरी की शॉपिंग की, वो मैं पहले शेयर कर दूंगी। लोगों ने तो देख ही ली होगी, अगर नहीं देखी है तो जाकर चेक कर लीजिए। और मौसम ना गर्म टाइप सा हो रहा है, धूप तो नहीं निकल रही है लेकिन पानी भी नहीं बरस रहा है। बिल्कुल पानी का मौसम होता है कि पानी आएगा, दो दिन से बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, तो जो चिपचिप वाली गर्मी होती है ना वही हो रही है। और अगर मौसम होना और बारिश ना हो तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। जो है ना उमस वाला मौसम हो रहा है, काम तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए बातें करेंगे बाद में, पहले मैं कर लेती हूँ किचन के काम और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। चाय को मैंने रख दिया था बनने के लिए और बस इसमें दूध वगैरह भी ऐड कर दिया था, बॉयल हो रही है ये। साथ ही साथ मैं जो है ब्रेड को भी सेक लूँगी। तो मैं जो है आज बटर वगैरह मैं नहीं सेक रही हूँ, मैं देसी घी में सेक रही हूँ। तो मैंने तवे पर जो है घी डाल दिया है, फैला दिया है और बस यहाँ पर जो ब्रेड है उन्हीं को मैं सेक रही हूँ। तो मैं सिर्फ 3 ब्रेड ही सेकूँगी, क्योंकि ज़्यादा मन नहीं है अभी खाने का, तो मैं जो है बस एक ही ब्रेड खाऊँगी। 2 ब्रेड ये खा लेंगे और ऊपर से भी जो घी है वो मैं लगा दूँगी और बस इसको जो है पलट कर सेक लूँगी। कभी कभी जो है देसी घी से भी ब्रेड वगैरह सेक कर खाओ ना तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। ज़्यादातर तो बटर में ही सेकती हूँ लेकिन आज मैं घी में सेक रही हूँ और बस इनको जो है मैं दबा दबा कर सेक लूँगी। दोनों साइड से ये सिक चुके हैं तो बस अब जो है मैं गैस को ऑफ़ कर दूँगी और साथ ही साथ मैं जो है लंच की तैयारी भी कर लूँगी। तो उसी के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर, उसमें ऐड कर दूँगी ऑयल। तो मैं बनाने वाली हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी और यहाँ पर जो कुछ छोटा कंटेनर है ना घी का उसी को मैं फिल कर रही हूँ, क्योंकि उसमें घी ख़त्म हो गया था तो उसको मैंने क्लीन कर दिया था। तो बस उसमें मैंने घी ऐड कर दिया है और बस इसको जो है बंद करके रख दूँगी और बस ऑयल भी जो है गर्म हो रहा है। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी जीरा और लहसुन की कलियाँ। तो चाय की जो फ्लेम है ना मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है, मैंने सोचा कि मैं जो है सब्ज़ी को रख देती हूँ, मीन्स आलू फ्राई होंगे ना तब तक हम लोग चाय पी लेंगे। तो मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया है, कुटी हुई लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं, थोड़ा सा फ्राई होने दूंगी और बस उसके बाद जो है इसमें आलू ऐड कर दूंगी। तो आलू मैंने पहले ही कट करके वॉश करके रख दिए थे और बस अब जो है मैंने चाय की जो गैस है ना उसको तेज कर दिया है, क्योंकि मैं अब चाय को छान लूँगी। चाय भी बनकर तैयार हो चुकी है, आलू मैंने ऐड कर दिए हैं, उसमें डाल दूंगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और ढककर जो है ना इनको अच्छे से फ्राई होने दूंगी ताकि इन पर हल्का गोल्डन कलर आ जाए। और बस उसके बाद मसाले वगैरह टमाटर वगैरह ऐड कर दूंगी। तो मैं जो है थोड़ी सी ग्रेवी वाली आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो बस मैं जो है इनको ढक दूंगी और चाय भी रेडी है तो चाय को भी छान लेती हूँ। चाय को मैंने छान लिया है और बस ब्रेड है। तो ये है आज का हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाने के लिए। अभी मैंने जो है एक वीडियो कंप्लीट की है, आप लोगों के साथ अपनी मंथली ग्रॉसरी की शॉपिंग शेयर की है जो मैं बोल रही थी ना,
तो वो वीडियो मैंने शूट कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा जो सामान है ना वो रखा हुआ है। सामान को रखना है मुझे अरेंज करके। वैसे जो है 2-3 दिन हो चुके हैं सामान को आए हुए, तो चलो अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इनको लगाऊंगी जगह पर। ग्रॉसरी की शॉपिंग करके लाओ, उनको अरेंज करो, इसी में काफ़ी टाइम लग जाता है। सिर्फ एक ही दाल मिली है जो कि है छिलके वाली दाल, जो हरी वाली छिलके वाली दाल है ना मूंग की, वो लेकर आई हूँ। मसूर की, तुअर की दाल नहीं मिली है, चने की दाल रखी हुई है इसलिए नहीं ली। तो काफ़ी कुछ आइटम हैं अवेलेबल नहीं थे और कुछ मुझे याद नहीं रहे, तो जितना लेकर आई हूँ ना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। यहाँ पर जो सामान है ना उन्हीं को मैं अरेंज कर रही हूँ, कुछ मैंने रख दिया है। और बस ये जो बिस्किट वगैरह के पैकेट हैं इन्हीं को मैं कंटेनर में रख दूँगी। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है नीरू कुमारी, इनकी सिस्टर का बर्थडे है 18 अगस्त को, उनका नाम है सुहानी। सो विश यू हैप्पी बर्थडे, आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, गॉड आपको लाइफ की सारी खुशियाँ दे। तो बस यहाँ पर जो ये बड़े कंटेनर हैं उनमें मैंने सामान रख दिया है, और ये जो बड़ा स्टील का कंटेनर है इसमें ये पैकेट वाले ही आइटम रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो जो जो सामान पहले का है ना उनको मैं फिल कर दूँगी कंटेनर में जब वो साफ़ हो जाएंगे उसके बाद, और जो ये नए सामान है ना इनको रख दूँगी तो कंटेनर क्लीन करने के बाद ही रखूँगी। और कंटेनर में अभी जो है ना थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ है, जब उनका सामान ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही मैं रखूँगी। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि तुअर की दाल ऑलरेडी रखी हुई है, मैं बोल रही थी कि नहीं लेकर आई हूँ लेकिन हाफ के जी मैं पहले लाई हूँगी तो वो रखी हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम देख नहीं पाते हैं ना और डबल आइटम हो जाते हैं, मेरे साथ तो खासकर ऐसा होता है कि ऑलरेडी वो सामान रखा हो रहता है और मैं फिर से ले आती हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ठीक है कि मैं नहीं लाई, ऑलरेडी रखी हुई है, अगर ले आती तो फिर डबल हो जाती। यहाँ पर जो रस्क हैं उन्हीं को मैं कंटेनर में भर के रख दूँगी, और पूरे नहीं आएंगे, कोशिश कर रही थी कि पूरे एक बार में आ जाएँ लेकिन नहीं आए, थोड़े रह ही गए थे, तो उनको जो है मैं कंटेनर में रख दूँगी। वरना अभी जो है ना ऐसा मौसम है हर सामान जो है ना सॉफ्ट हो जाता है, सील जाता है। और बस यहाँ पर सारे सामान को मैंने अरेंज कर दिया है। अभी टाइम हो चुका है इवनिंग का, ये आ चुके हैं ऑफिस से। तो अनार जो है ना मैंने आज दिन में ही छील कर रख दिए थे, रखे हुए थे, तो मैंने सोचा छील कर रख दो, क्योंकि छील कर रख दो ना तो फिर खा भी लेते हैं और जूस वगैरह भी बन जाता है। तो इन्होंने देखा फ्रिज में तो बोले चलो मैं जूस बना देता हूँ, तो बस यहाँ पर ये वही बना रहे हैं, एक गिलास बन चुका है। और बस इसको जो है मैं छान लूँगी, वैसे अनार के जूस में कुछ होता नहीं है छानने के लिए, लेकिन फिर भी मैं जो है छान लेती हूँ, मेरी आदत है। और इस जूसर से जो है ना जूस बनाना काफ़ी आसान होता है, बिल्कुल फ्रेश भी होता है घर का। और मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, आपने कहाँ से लिया, तो लिंक दे दीजिए। तो ये जो जूसर है ना हम लोगों ने लोकल मार्केट से लिया था, मैंने महाराज बाड़े से इसको लिया था एक शॉप से, तो इसीलिए मैं लिंक तो नहीं दे सकती हूँ। और इसकी प्राइस भी जो है ना मुझे बिल्कुल करेक्ट याद नहीं है, बस इतना है कि ये 500 के अंडर ही है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो आप जो है ना इसको लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं या ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी काफ़ी ऑप्शन होते हैं। और बस बढ़िया सा घर पर ही फ्रेश जूस बनाकर पी सकते हैं, आज जो है गर्मी भी थी तो इसीलिए अच्छा लगा जूस पीना। चलिए हम लोग पी लेते हैं पहले, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अभी टाइम हो गया है इवनिंग का और बस मैं यहाँ पर आकर बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। और सामान वगैरह भी जो सब फैला था ना ग्रॉसरी का वो भी मैंने लगा दिया है जगह पर। मुझे ये बात करनी थी, जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं ना, कभी हम लोग बाइक से जाते हैं, कभी हम लोग कार से जाते हैं, कुछ लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन है कि आपने न्यू कार कब ले ली और आप कार से जाते हो तो ये कार आप ही की है क्या। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ना सामने से आंसर दे देती हूँ, क्योंकि रिप्लाई में जो है मैं उन्हीं को आंसर दूंगी और अगर मैं वीडियो में बोलूंगी तो सभी को ये बात पता चल जाएगी। बताना चाहूंगी कि हमने न्यू कार अभी नहीं ली है, हमारे पास अभी कोई कार नहीं है, और जो कार हम लोग लेकर जाते हैं ना वो मेरे मम्मी पापा की है। जब हम लेंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और भगवान चाहेगा तो बहुत जल्दी ये टाइम भी आएगा।
तो बस वो जो कार है मम्मी पापा की है, लेकिन ये है कि वो जो हमारे कैंपस में ही रखी हुई है, क्योंकि जहाँ मेरा मायका है ना, मेरा घर है, तो वहाँ की लाइन जो है ना इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है कि वहाँ पर कार पार्क कर दें और भी गाड़ियाँ निकल जाए, जगह जो है ना एकदम से भर जाएगी, तो इसीलिए वहाँ पर कार नहीं रखी है। और इमरजेंसी होती है ना कभी, तो वहाँ रख भी लेते हैं, लेकिन हमेशा के लिए ना ठीक नहीं है वहाँ पर रखना, क्योंकि और भी लोगों को निकलना होता है, निकलने में प्रॉब्लम होती है। अभी कोई गैरेज वगैरह भी नहीं है घर पर जिस जगह कार रख जाए, तो इसीलिए वो कार हमारे यहाँ ही रखी रहती है। और बस ये है कि एक चाबी हम लोगों के पास होती है और एक चाबी जो है घर पर है मेरे मायके में, तो हम लोगों को जब जाना होता है, जहाँ जाना होता है, तो हम चले जाते हैं, क्योंकि मम्मी पापा ने बोल के रखा है कि कहीं भी जाना हो तो बस कार ले जाया करो, इसीलिए उन्होंने एक चाबी भी दे दी है। तो हमको कहीं जाना होता है, लगता है कि जिस जगह हमें कार से जाना है, रिक्वायरमेंट है, तो हम वहाँ जो है कार लेकर चले जाते हैं, और जब नहीं लगता है तो बाइक से चले जाते हैं। अगर ये मायके में रखी हुई होती मम्मी पापा के घर पर, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब भी हमको कहीं लेकर जाना है हम तब भी लेकर जा सकते थे। ये है कि यहीं पर रखी हुई है ना कैंपस में, तो ज़्यादा सहूलियत होती है, सीधे बस उठाओ और चले जाओ। बस मैंने आपके क्वेश्चन को क्लियर कर दिया है, और इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। अगर आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, अगर ना आए तो मत कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।